कल एग्जांपल दी थी वो जरा निकालें प्रोविडेंट फंड के नीचे, उसमें एक मसला था आपको समझ आ गया होगा। एग्जांपल 3 थी, उसमें इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं था कि किस एतबार से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसलिए बहालत मजबूरी हमने क्या किया था, ये देखें इसमें इंटरेस्ट गिवन था 1 लाख, लेकिन ये गिवन नहीं था कि ये कितने परसेंट पे है, तो इसलिए मजबूरन हमने एग्जेम्प्ट कर दिया था अप टू 1/3 ऑफ सैलरी। हालांकि हमने एग्जेम्प्ट करना था हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट रेट 16%। इंटरेस्ट रेट खुद नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि मैंने कहा था ये जो पैसे हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन के, ये सीधे सीधे फंड में जमा नहीं होते, हर महीने जमा होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट रेट खुद निकालने की कोशिश नहीं करनी थी। बस इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन वी विल सिंपली कंपेयर विद 1/3 ऑफ सैलरी, ये करना था। ओके, एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाली एग्जाम्पल में आ जाए। पेज नंबर 90। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो जरा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी तरफ वापस आते हैं। पेज नंबर 83 पे आए, 82 पे, अच्छा ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, गौर से सुननी है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई अलाउंस वाजे तौर पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे और देते हुए ये कहे कि इससे तुमने दफ्तर के काम करने हैं, तो उस अलाउंस को इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं बनाएंगे। अच्छा, अगर ये अलाउंस जो है ना, जरा गौर से सुनिएगा, अगर ये अलाउंस जो है वो मंथली सैलरी का पार्ट बन के दिया जाए, अगर ये अलाउंस मंथली सैलरी का पार्ट बन के दिया जाए, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे हर महीने ये 3,000 ले लिया करो ये दफ्तर के कामों के लिए, अब ऐसी सूरत में लॉ मेकर को पता नहीं क्यों गुस्सा चढ़ाए और वो कहते हैं ऐसी सूरत में जो भी पैसे दिए गए एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की तरफ से, तो वो सैलरी का पार्ट होंगे चाहे दफ्तर के कामों के लिए दिए हैं। ये जरा पढ़िएगा, एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड, इस अलाउंस को ऑफिशियल ड्यूटी नहीं समझा जाएगा। ये लॉ में नई प्रोविजन आई है इस बार, अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी, मंथली सैलरी के अंदर डाल के दे दिया जाए, अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स बेस, हर महीने फिक्स अमाउंट हो और अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, या फिर सैलरी के ऊपर परसेंटेज लगा के दे दिया जाए कि तुम्हारी सैलरी है 1 लाख, उसका 10% बना 10,000, सैलरी का 10% हर महीने तुम्हारा। ऐसी सूरत में ना असल में एम्प्लॉय ऑफिशियल ड्यूटी करे ना करे वो अलाउंस उसे मिलता है, क्योंकि अब तो फिक्स सैलरी का पार्ट बन के मिल गया, तो फिर आप उसे इनकम फ्रॉम सैलरी में ही पड़ा रहने देंगे, उसे सैलरी से एक्सक्लूड नहीं करेंगे। तो आप जरा रिवाइज कर लें सारी बात जो पहले दिन को मिला के जो है वो बात हुई थी, ये 3rd और 4th रो में ना एक ही दफा जगह बना दें ना, एंड तक मसला होता रहेगा, और कल से कोशिश किया करें शुरू से ही, अभी भी आपने जगह नहीं बनाई, एक ही दफा जगह बना दें। अच्छा, तो जनरल रूल क्या था, जनरल रूल जरा याद कीजिएगा, जनरल रूल ये था कि कोई भी अलाउंस जो है वो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए दिया जाए तो डैट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ सैलरी, ये जनरल रूल था। लेकिन आज क्या पढ़ा रहा हूं, आज ये पढ़ा रहा हूं कि वो सैलरी में डाल के अगर जो है वो आपको अलाउंस दे दिया जाए तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट होगा, होगा होगा, फिर वो सैलरी से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमने पेज 124 पे एग्जाम्पल की थी, पेज 124 पे पॉइंट 3, इसमें क्या पढ़ा था, अ स्पेशल अलाउंस ऑफ 50,000 वाज पेड टू मीट एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड इन परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। क्या ये मंथली सेल, ये पेज नंबर 124 पे की थी, क्या ये मंथली सैलरी में डाल के उसका पार्ट बना के दे रहा है ये पैसे, या अलग से एम्प्लॉय को ऑफिशियल ड्यूटी पे भेज रहे तो दे रहा है, अलग से दे रहे हैं एम्प्लॉय को ऑफिशियल ड्यूटी पे भेजने के लिए, या मंथली सैलरी का पार्ट बना के दे रहे हैं? और अगर लिखा होता है बेसिक सैलरी पर मंथ के साथ ब्रैकेट में कि 5,000 पर मंथ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए दे रहा है, तो फिर तो सैलरी का पार्ट बना के देता, फिर हमारी अकल में बात फिट हो या ना हो, हमने इसको सैलरी में ही पड़े रहने देना है।
तो जनरल रूल ये है कि ऑफिशियल ड्यूटी सैलरी का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर महीने की सैलरी में डाल के वो साथ ही देने लग जाए, तो फिर ऐसी सूरत में अगर हर महीने वो एम्प्लॉयर दे रहा है और सैलरी की परसेंटेज लगा के दे रहा है या एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहा है, यानी हर महीने 5,000 दे रहा है या फिर सैलरी 1,00,000 रुपया है तो सैलरी पे 10% लगा के 10,000 रुपया हर महीने दे रहा है, तो उस अलाउंस को इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनाएंगे। ओके अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी और ऑन फिक्स्ड बेस और परसेंटेज ऑफ अ सैलरी। अच्छा एक बात और है, एक और अलाउंस है जो ऑफिशियल ड्यूटी वाला है, वो ऑफिशियल ड्यूटी वाला अलाउंस नहीं समझा जाएगा और उसको भी सैलरी में ऐड किया जाएगा। वो ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई अलाउंस दिया ऑफिशियल ड्यूटी के लिए और बाद में ना एम्प्लॉय ने वो अलाउंस वहां इस्तेमाल ही नहीं किया, सारा घर में इस्तेमाल कर लिया। बाद में एम्प्लॉयर को भी आकर बता दिया यार वो दफ्तर के काम में इस्तेमाल नहीं हुआ था, वो पैसा कहीं और खर्च हो गया घर में मेरे से। आप बता दें क्या ये अलाउंस सैलरी का पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये तो बनना चाहिए। अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरीली और एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ, तो स्पेंड नहीं किया आपने बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, पैसे पकड़ लिए लेकिन बाद में स्पेंड नहीं किया किसके बिहाफ पे, एम्प्लॉयर के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में अलाउंस को सैलरी का पार्ट बनाया जाए या इसको सैलरी से निकाल दिया जाए? सैलरी का पार्ट बनाया जाए। अलाउंस विच इज नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली नेसेसरीली जरूरी तौर पे और एक्चुअली और हकीकत में स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर इज विच इज नॉट नॉट स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है यार, अगर आप हाईलाइट करें विच इज नॉट स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे इसने स्पेंड नहीं किया, तो इसको सैलरी का पार्ट बोले 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 बनाया जाएगा, इसको सैलरी का पार्ट बनाया जाएगा। ओके वापस आ जाएंगे एम्प्लॉई शेयर स्कीम में, इसको इंशाल्लाह ना न्यूमेरिकल्स में ध्यान में रखिएगा, चैप्टर 19 में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसकी और रिवीजन हो जाएगी। ठीक है अभी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया बस, इस पर ज्यादा सवाल अभी नहीं ध्यान में लाने, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तो इसकी रिवीजन हो जाएगी। जी किस पेज पे हैं? कल एक एग्जाम्पल शुरू की थी पेज 99 पे। जी ये एग्जांपल जरा रिवाइज कर लें, रजिस्टर से एक सफा, रजिस्टर से एक सफा लें। पंद्रह जनवरी को कॉलेज वालों ने प्री रजिस्ट्रेशन ओपन की। प्री रजिस्ट्रेशन ओपन करने का मतलब ये है कि कॉलेज वालों ने आपको एक अनाउंसमेंट कर दी। मुझे बताएं प्री रजिस्ट्रेशन ओपन करने का क्या मतलब है, कि प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो कॉलेज वालों ने आपके लिए ओपन कर दी या आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवा ली? ओपन कर दी आपके लिए प्री रजिस्ट्रेशन। अच्छा आपने अभी करवाई नहीं। 17 जनवरी को आप हजरात गए, जो कल नहीं आए थे वो अटेंटिव रहिएगा दादा। 17 जनवरी को आप गए और आपने जाके पे किए 4,000 रुपये, आपने 4,000 रुपये पे किए फॉर एक्वायरिंग राइट, आपने राइट एक्वायर करने के लिए जो है वो 4,000 रुपये पे किए, और जैसे ही आपने ये 4,000 रुपये पे किए तो उन्होंने आपको एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया, एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया। उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर क्या लिखा हुआ था? राइट। राइट क्या मतलब? यू हैव राइट टू परचेज द सीट। आपके पास अभी बैठने का हक नहीं आया, आपको राइट मिल गया है कि आप क्या बाय कर सकते हैं, जब क्लासेस शुरू होंगी तो वहां सीट बाय कर सकते हैं। अभी इस कागज के टुकड़े के बुनियाद पे अगर आप जो है वो कॉलेज के अंदर आके सीट पे बैठना चाहें क्लास में तो हम आपको नहीं बैठने देंगे। तो आपने पे किया 4,000 रुपये फॉर एक्वायरिंग द राइट, एक राइट एक्वायर करने के लिए आपने 4,000 रुपये पे किए। और फिर अगला दिन आया, चंद दिन गुजरे, अगला महीना आया, उससे अगला महीना आया, 25 मार्च को आपने 14,000 रुपये और दिए और 14,000 रुपये देखे आपने क्या बाय कर ली? सीट बाय कर ली। ओके मोहतरम इसी तरह एम्प्लॉई शेयर स्कीम के अंदर होता है। एम्प्लॉई शेयर स्कीम के अंदर सबसे पहले आप एक हक खरीदते हैं, आप एक राइट खरीदते हैं। राइट का मतलब होता है प्री रजिस्ट्रेशन, आप अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि मैं कंपनी का मालिक बनना चाहता हूं। तो कंपनी कहती है अगर तुम कंपनी के मालिक बनना चाहते हो तो कुछ प्री रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर शेयर बाद में खरीदना। तो फिर बाद में कहीं जाके आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं और मालिक बनते हैं। इस बुनियाद पर कल वाले सवाल को ज़रा दोबारा पढ़ते हैं, ये पेज नंबर 99 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मिस्टर आतिफ परचेस्ड
द राइट, आतिफ परचेज द राइट टू परचेज 5000 शेयर्स बाय पेइंग रुपीज 2000. तो ये अगर कंपनी है, ये हमारे सामने कंपनी है और मैं इसका एम्प्लॉई हूं आतिफ, तो मैं इसके पास जाऊंगा और जेब से मैं निकालूंगा 2000 रुपये, जेब से 2000 रुपये निकालूंगा, 2000 रुपये निकाल के जमा करवाऊंगा किसको, कंपनी को. जब कंपनी को 2000 जमा करवा दूंगा तो ये 2000 चले गए. ना ना ना, इसे बंद करो या अभी सब्र करो, साइड पे रख दो, फिर ये किताब से उठाओगे फिर शोर होगा इसका. अच्छा, तो मैं ये 2000 रुपये जाऊंगा, 2000 रुपये कंपनी को जमा करवाऊंगा और ये 2000 रुपये कंपनी के पास चले गए और कंपनी मुझे एक कागज का टुकड़ा दे देगी जिसे मैं कहूंगा राइट. अब ये राइट जो है वो मैं लोगों को दिखाता फिरूंगा कि मोहतरम मेरे पास कंपनी के मालिक बनने का हक है, मेरे पास कंपनी के मालिक बनने का हक है. अब ये राइट वाला सफा जो है वो मैं जेब में डाल दूंगा. अब मैं जेब में डाल के लोगों को दिखाता फिरूंगा कि मेरे पास कंपनी के मालिक बनने का हक है, मैंने क्या करवा ली है, प्री रजिस्ट्रेशन करवा ली है. ओके, पढ़ें जी आगे. मिस्टर आतिफ परचेज द राइट टू परचेज 5000 शेयर्स बाय पेइंग रुपीज 2000. फिलहाल कितने पैसे दिए हैं मैंने, 2000 रुपये दिए. राइट इज परचेज ऑन 20 अगस्त 13. राइट किसने खरीदा गया जी, 20 अगस्त 13. तो 20 अगस्त 13 सोचे ना, 20 अगस्त 13 यकम जुलाई 13 वाला जो साल है उसमें जुलाई का महीना गुजरेगा, अगस्त के 20 दिन गुजरेंगे तो आ जाएगा 20 अगस्त 13. तो 20 अगस्त 13 को मैंने क्या एक्वायर कर लिया मोहतरम, राइट एक्वायर कर लिया. तो याद रखिएगा मोहतरम, जिस दिन आप राइट एक्वायर करेंगे उस दिन कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा. क्लियर? क्योंकि आपके पास अभी बस एक कागज का टुकड़ा आया है, प्री रजिस्ट्रेशन से आई, आप कंपनी के मालिक बन गए हैं. बोले 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 नहीं, वो इसी तरह आपने एक प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है, आप सीट नहीं मिली आपको भी. ऑन 25 जून 2015 ही एक्सरसाइज द राइट एंड परचेज द शेयर्स बाय पेइंग रुपीज, एक्सरसाइज राइट एंड परचेज द शेयर्स बाय पेइंग 334 पर शेयर. एक्सरसाइज द राइट. अब ये कंपनी है, ये कंपनी है. अब आप कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी के पास जाके कहेंगे, कंपनी मैं तुमसे क्या खरीदना चाहता हूं, शेयर खरीदना चाहता हूं. ये कंपनी खड़ी हुई है, गिर ना जाए, ये कंपनी खड़ी हुई है. अब आप कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी के पास जाके आई विल एक्सरसाइज द राइट. मैं कंपनी को दिखाऊंगा, कंपनी ये देख, कंपनी ये देख, ये देख, मेरे पास राइट है, मेरे पास हक है. क्या हक है मेरे पास, कि मैं शेयर, एक दो दफा और मैंने इसे अपना हक दिखाया तो इसने गिर जाना है, तो मैंने इसको अपना हक दिखा रहा हूं. मेरे पास हक है शेयर खरीदने का, तो शेयर खरीदने का, शेयर खरीदने का, राइट एक्सरसाइज करने का, राइट एक्सरसाइज करके मैं शेयर खरीदूंगा. तो मैं जाऊंगा, मैं जाके राइट एक्सरसाइज करूंगा और राइट एक्सरसाइज करने के साथ साथ जो है वो कंपनी गिर गई. राइट एक्सरसाइज करने के साथ साथ जो है वो मैं जेब से पैसे निकालूंगा और 334 पर शेयर, अच्छी खासी अमाउंट होती है 334 पर शेयर, मैं जो है वो पैसे उस कंपनी को देने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने 5000 शेयर खरीदने हैं. तो मैंने 5000 शेयर खरीदने हैं, इसके लिए मैं 334 पर शेयर अपनी जेब से निकालूंगा. ये मैंने हैवी पैसा अपनी जेब से निकाल लिया है, ये पैसे लूंगा 334 पर शेयर, ये साथ राइट लूंगा और राइट लेके ये कंपनी को जमा करवा दूंगा कि कंपनी ये रखो मोहतरम पैसे अपने पास और ये रखो राइट अपने पास, और इसके बाद मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा. मेरे पास क्या आ जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा. मेरे पास क्या आ जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा. दिखाओ जरा कैमरे में जाके शेयर सर्टिफिकेट, जाओ यही वाला पकड़ के जल्दी जल्दी भाग के जाओ. तो ये मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा और ये मैं कंपनी का, बस रुक जाओ, मैं कंपनी का क्या बन जाऊंगा, मालिक बन जाऊंगा. ये शेयर सर्टिफिकेट है, ज्यारत कराते हैं ऐसे सबको ऊंची करके, दिखाते रहें दिखाते रहें दिखाते रहें दिखाते रहें, जल्दी हैं जल्दी हैं जल्दी हैं जल्दी हैं जल्दी हैं जल्दी हैं, दिखाते रहें दिखाते रहें सबको, दिखाते रहें दिखाते रहें दिखाते रहें दिखाते रहें दिखाते रहें. तो मोहतरम अब मेरी जेब में कंपनी के शेयर्स होंगे, अब मेरी जेब में क्या होंगे, कंपनी के शेयर्स होंगे. अब मैं कंपनी का मालिक हूं, मेरे पास कंपनी के शेयर हैं, शेयर सर्टिफिकेट है अब मेरे पास. ओके, नाउ तो मोहतरम इस दिन अब एक कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट इज 370 पर फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स की ये है. अच्छा, इसमें ना एक और चीज भी है, ये मैंने अभी नहीं पढ़ानी, ये इंशाल्लाह मैं आपको आधे घंटे बाद पढ़ाऊंगा, ये मैंने आगे काट दिया, फिलहाल आप लोगों को भी काटने की जरूरत नहीं. तो अब मेरे पास शेयर्स आ गए मोहतरम, अब यहां पे खड़े होकर मैं एक कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, यहां पे खड़े होकर मैं एक
कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। अच्छा मुझे वो डेट बता दें जिस दिन मैंने पैसे और राइट जमा करवा के शेयर खरीद लिए हैं, पैसे और प्री रजिस्ट्रेशन जमा करवा के शेयर खरीद लिए हैं, वो तारीख बता दें। 25 जून 2015। तो 25 जून 2015, 30 जून 2014 के देखें 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 यहाँ कहीं आएगी, सही है ना? 25 जून 2015 यानी 30 जून 2015 वाले साल में आएगी ना, यानी ओवरऑल टैक्स ईयर कौन सा चल रहा होगा और ये वाला कौन सा साल चल रहा था। अच्छा मोहतरम, अब यहाँ पे ना एक कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे एक कैलकुलेशन होगी। मैं अपनी कैलकुलेट करूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या कैलकुलेट करूंगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में कैसे कैलकुलेट करूंगा? बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर में करते थे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। जिस तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफर में नहीं होता था, क्या प्रॉपर्टी है मेरी जेब में पड़ी हुई? शेयर्स। इनकी फेयर वैल्यू लूंगा माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, क्योंकि मैंने दो स्टेजेस पे पैसे दिए हैं, शेयर्स भी खरीदे हैं और साथ राइट भी खरीदे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन में मैं लूंगा जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आपने मुझे निकलवानी है। ये बता दें फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 370 पर शेयर। ये देखें फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 3, और शेयर देखें कितने हैं, 5000। 5000 को मल्टीप्लाई कराएं जी 370 से, 5000 को मल्टीप्लाई कराएं 370 से, हिम्मत करके 5000 मल्टीप्लाइड बाय 370, 18500000। अच्छा मैं अगर इसको रुपीज इन थाउजेंड में कर दूं, ऐसे कर सकता हूं, ऊपर 3 जीरो लगा दूं। ये कैलकुलेशन में किस दिन खड़े होके कर रहा हूं? 25 जून 2015 को। किस हेड में ये इनकम जा रही है? इनकम फ्रॉम सैलरी में ये इनकम जा रही है। ओके, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स, माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स। कॉस्ट ऑफ शेयर्स निकलवाएं मुझे, कॉस्ट ऑफ शेयर्स मुझे बताएं। 370 का तो बाजार में है, मैंने अपनी जेब से कितने पैसे निकाल के दिया है? 370 का तो बाजार में है, मैंने अपनी जेब से कितने पैसे निकाल के दिया है? 334 पर शेयर। तो 5000 जरब 334 पर शेयर, 5000 जरब 334, 16700000। लेकिन मैं रुपीज इन थाउजेंड में कराऊं। लेस कॉस्ट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन, किसी को पता है कॉस्ट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन? प्री रजिस्ट्रेशन कितने की करवाई थी मैंने? 2000 की। 2000 को राउंड किया, 3 सिफर हटाए तो 2, जवाब 178। इट इज माय इनकम फ्रॉम सैलरी, इट इज माय इनकम फ्रॉम सैलरी। चलें जी नोट कर लें। अभी एक साल और बनाने आगे, वो फिर बनाएंगे अभी। जी फॉर्मूला क्या बना? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से 334 वाला शेयर, 370 वाला शेयर 334। कैपिटल गेन कैसे होगा? शेयर बेचे हैं या मिले हैं? मेरी जेब में पड़े हुए हैं, अजीब लोग हैं। कैपिटल गेन वालों को खुदा का खौफ करो, ऐसे ही नहीं जेब में शेयर डाले हुए हैं। हर क्लास वाले ये कॉन्सेप्ट पूछते हैं, इसलिए मैं जेब में ऊपर डाल के रखता हूँ ये शेयर, ताकि किसी को डाउट ही ना हो। कैपिटल गेन में कैसे जा सकते हैं यार, ये तो शेयर भी मिले हैं। कैपिटल गेन में तो तब जाते हैं जब शेयर बिकते हैं, अभी कहाँ बिके हैं? अभी तो मिले हैं शेयर्स। ओके डन, नोट कर लिया। ये भी लिख लिया, पहले साल सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। ये देखें ना, पहला साल 2014 सैलरी में कुछ भी ऐड 2014 में, वो कब जाके ऐड हुआ? 2015 में।
अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि जब मैं इस प्लेट को खड़ा हूं तब तो मेरी जेब में ना राइट है और ना शेयर्स हैं। इस प्लेट को मैं खड़ा हूं, ना मेरी जेब में राइट है ना शेयर्स हैं। अच्छा, यकम जुलाई 13 की तारीख के बाद आया 20 अगस्त 13। तो 20 अगस्त 13 को आतिफ परचेज आर राइट टू परचेज 5000 शेयर बाय पेइंग रुपीज, राइट इज परचेज ऑन 20 अगस्त 13। 20 अगस्त 13 को इस दिन मेरी जेब से पैसे गए होंगे और पैसे जाके मेरी जेब में क्या आ गए होंगे, राइट। इस दिन मेरी जेब में क्या है, राइट, 20 अगस्त 13 को। फिर मेरी जेब में क्या रहे इस दिन भी, इस दिन भी मेरी जेब में क्या है, इस दिन भी मेरी जेब में क्या है, इस दिन भी मेरी जेब में क्या है, राइट। जब ये तारीख आएगी, ये तारीख आएगी तो मैं जेब से राइट निकालूंगा, हैवी पैसे निकालूंगा और पैसे निकाल के राइट एक्सरसाइज करूंगा और शेयर परचेज करूंगा। राइट क्या करूंगा, एक्सरसाइज और शेयर परचेज। अब ये मैं राइट एक्सरसाइज करने के लिए हैवी पैसे निकालूंगा ताकि मैं शेयर परचेज करूं। अब 25 जून 15 को मेरे पास क्या है, शेयर्स। अब पता नहीं कब तक मेरी जेब में ये शेयर्स रहेंगे। चलिए अब लॉ की प्रोविजन पढ़ लें। पेज नंबर 94, पॉइंट नंबर 2, वेयर शेयर्स आर इश्यूड टू एन एम्प्लॉई अंडर एन एम्प्लॉई शेयर स्कीम। ये देख लें, मुझे शेयर इश्यू हो चुके हैं अंडर एन एम्प्लॉई शेयर स्कीम। वेयर शेयर्स, शेयर्स आर राइट नहीं, कागज का टुकड़ा नहीं, शेयर्स, शेयर सर्टिफिकेट प्रॉपर। वेयर शेयर्स आर इश्यूड टू एन एम्प्लॉई अंडर एन Including as a result of exercise of option, इसमें यह भी शामिल है कि आप option exercise कर लें, जैसे हमने option या right exercise किया था। Following amount is chargeable। नीचे आए, fair market value of the shares minus cost of right। तो formula क्या है, the fair market value of the shares, ये वही formula है जो पहले पढ़ा था property transfer के केस में। तो fair market value of property minus amount paid by employee to employer at the date of issue, less consideration given by employee for the shares and for the consideration given, क्या होता है, amount given, amount given by employee for the shares and for the rights, clear? ओके, क्वेश्चन 1, पेज 99, ए कंपनी हैज लॉन्च्ड एन एम्प्लॉई शेयर स्कीम, ए कंपनी ने लॉन्च किया एक एम्प्लॉई शेयर स्कीम, मिस्टर उमर bought the right to purchase shares on 25 जून 13 by paying rupees। मुझे बता दें अभी तक आपको क्या फीलिंग नजर आ रही है, कि उमर ने प्री रजिस्ट्रेशन कराई है या उमर ने शेयर खरीद लिए हैं? ये ब्रॉट नहीं, बॉट होना चाहिए था। अच्छा, तो उमर ने प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है या उमर ने शेयर खरीद लिए हैं? उमर bought the right to purchase shares by paying rupees 5000। किस तारीख को, 25 जून 2013। He exercised the right to purchase 3000 shares on 31 अगस्त 2013 at exercise price of rupees 120 per share. ये exercise price क्या लफ्ज़ है? At exercise price of 120 per share. नहीं, fair market value नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये fair market value तो कहीं और given है। ये cost of shares है, जो उसकी जेब से पैसे गए हैं, जो उसकी जेब से पैसे गए हैं। आपको पता है दो स्टेजेस पे पैसे जाते हैं, एक जब मैं राइट खरीदता हूँ तब पैसे जाते हैं जेब से, एक जब मैं शेयर खरीदता हूँ तब पैसे जाते हैं जेब से। तो ये राइट खरीदने पे पैसे गए हैं जेब से या शेयर खरीदने पे? शेयर खरीदने पे। ही एक्सरसाइज राइट टू परचेज 3000 शेयर्स एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 120 पर शेयर। तो एक्सरसाइज प्राइस होती है मोहतरम कॉस्ट ऑफ शेयर। पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे, एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं कॉस्ट ऑफ शेयर को। ओके,
अच्छा जी, अब अगर मैं स्टार्ट करूं 25 जून 13 को क्या हुआ है, ये 30 जून 13 है और ये 25 जून 13 है, 25 जून 13 को क्या हुआ है जल्दी बताएं, राइट खरीदे हैं। इस दिन क्या हुआ है, फिलहाल कुछ नहीं करना, फिलहाल कुछ नहीं करना, क्योंकि 25 जून 13 को मेरी जेब में सिर्फ क्या है, कागज का टुकड़ा है, ये वाला शेयर, शेयर्स नहीं, 25 जून 13 को मेरी जेब में क्या है, कागज का टुकड़ा नहीं, टुकड़ा। अच्छा, 25 जून 13 को मेरी जेब में कागज का टुकड़ा है, ही एक्सरसाइज द राइट, मैंने कागज का टुकड़ा जमा करवा दिया टू परचेज शेयर्स और मेरे पास क्या आ गए, शेयर, आवाज ही अलग है इसकी तो, मेरे पास क्या आ गए शेयर्स और साथ मैंने 120 रुपए पर शेयर भी जमा करवाए, ये किस दिन की बात है, 31 अगस्त 2013, सोचें अगले साल की बात है, हाँ बिल्कुल 31 अगस्त 13, ये और इधर ये 30 जून 13 है, ये जुलाई और ये 31 अगस्त 13, यहाँ कहीं आएगा ना 31 अगस्त 13, तो 31 अगस्त 13 को मैंने क्या किया, ये टैक्स ईयर अगला शुरू हो गया, ये 13 था, ये 14 का है और ये कौन सी तारीख होगी, 30 जून 14, तो ये 31 अगस्त 13 है, 31 अगस्त 13 यही बनेगी, सोच लें पहली दो क्लासेस ली हुई आपने टैक्स ईयर वाली, यही तारीख बनेगी 31 अगस्त 13। 31 अगस्त 13 को मैंने क्या किया, इस दिन मैंने क्या किया था, 25 जून 15 को मैंने क्या किया था, परचेज किए थे शेयर्स, या एक और लफ्ज़ भी मैं कह सकता हूँ, एक्सरसाइज किया था राइट, जरा जाके लिख के आए पिछले सवाल पे, मैंने परचेज किए थे शेयर्स या एक्सरसाइज किया था राइट। शेयर्स परचेज किए थे या राइट एक्सरसाइज किया था 25 जून 15 को पिछले सवाल में, और इस सवाल में भी वही लिखूंगा मैं, मैंने क्या किया है 25 जून को, बोलें शेयर परचेज किए हैं या राइट एक्सरसाइज किया है, क्लियर, मैंने शेयर परचेज किए हैं या राइट एक्सरसाइज किया है। अब आप बता दें जी 31 अगस्त 13 को मेरी जेब में इस वक्त क्या है, बताएं 31 अगस्त 13 को मेरी जेब में प्री रजिस्ट्रेशन है या शेयर्स हैं, तो ही एक्सरसाइज द राइट टू परचेज 30,000 शेयर्स ऑन 31 अगस्त 13 एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ रुपीज अकॉर्डिंग टू स्कीम के मुताबिक ही वॉज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, स्कीम के मुताबिक ये दो साल तक शेयर्स बेच, अब मोहतरम स्कीम के मुताबिक मैं ये शेयर 2 साल तक नहीं बेच सकता, इसलिए 31 अगस्त 13 को जब मेरे पास शेयर आएंगे तो शेयर आते ही 31 अगस्त 13 को मैं जेब में अंदर करके डालूंगा और बोलें वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, बोलें 31 अगस्त 13 को बोलें वो शेयर ही क्या जो, और वक्तन फवक्तन मैं ज्यारत करता रहूंगा, यार जबरदस्त यार लूट मची है यार, क्या शेयर है यार, लेकिन फिर इनके ऊपर हाथ रख लूंगा वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके, लेकिन है तो सही ना, ये कितने साल तक मैं ऐसा करता रहूंगा, सुबह उठ के 2 साल तक मैं रोजाना ऐसा करता रहूंगा, वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। 31 अगस्त 13 तक शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई है, क्या रिस्ट्रिक्शन लग गई है, क्या आप इनको 2 साल तक, तो मोहतरम क्या मैं कह सकता हूँ ये विद रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स हैं, क्या ये विद रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर हैं, तो मोहतरम इसलिए फिलहाल आपने सैलरी में कुछ ऐड नहीं करना, हालांकि पिछले सवाल में देखें आपने फौरन सैलरी में ऐड कर दिया था, जैसे ही आपने राइट एक्सरसाइज करके शेयर खरीदे थे फौरन ही आपने सैलरी में ऐड कर दिया था। इधर आए,
जैसे ही आपने राइट एक्सरसाइज करके शेयर खरीदे, सैलरी में कुछ भी ऐड, क्योंकि शेयर्स पे क्या लगी हुई है, अभी शेयर्स किधर हैं, अंदर जेब के छुपे हुए हैं, कितने साल तक आप इनको बेच नहीं सकते, 2 साल तक। ये जी 2015 का साल आएगा और ये 2016 का साल आएगा, ये 2 साल सही सही को परेशानी, 2 साल पूरे हो गए, 2 साल पूरे होने की तारीख बताएं, 2 साल पूरे होने की तारीख बताएं, जल्दी 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 जल्दी। ये कौन सा साल चल रहा है 30 जून 15, और ये कौन सा साल चल रहा है 30 जून 16, और ये कौन सी तारीख बनेगी 31 अगस्त 15। क्लियर, 31 अगस्त 15, क्लियर। तो ये 2 साल हमारे पूरे हो गए। अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, बोले बोले इवेंट का नाम, रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड, रिस्ट्रिक्शन। आप 31-8-15 को मैं क्या करूंगा, देखें 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 अब मैं इन शेयर्स को बेच सकता हूं, लेकिन बेचा नहीं अभी, याद रखिएगा, बेचा नहीं अभी, मुझे बेचने का हक मिल गया और मेरी जेब में पड़े हुए हैं लेकिन बाहर आ गए। अब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई है मोहतरम, अब फॉरन इनकम फ्रॉम सैलरी निकाले, अभी नहीं निकालनी सैलरी तो कब निकालनी है सैलरी, फॉरन इनकम फ्रॉम सैलरी निकाले, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालें, फॉर्मूला शुक्र है वही होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस, और बोले ना कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ, चलें जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आपको 3 दिन के गिवन है, एक तो आपको गिवन है ₹180 31 अगस्त 13 की, एक इस दिन की फेयर वैल्यू गिवन है, एक ₹200 गिवन है 30 जून 14 की जीयर एंड की, एक 31 अगस्त 15 की गिवन है ₹230। अब आप मुझे बता दें कि 3 तारीखों की फेयर वैल्यू गिवन है, 31 अगस्त 13 की फेयर वैल्यू क्यों ना लूं मैं, क्योंकि इस दिन तो शेयर्स पे क्या लगी हुई है, 30 जून 14 की फेयर वैल्यू क्यों ना लूं मैं, क्योंकि ये तो ईयर एंड की फेयर वैल्यू, वैसे ही क्या करना, 31 अगस्त 15 की फेयर वैल्यू क्यों लूं मैं, तो बता दें कितने वाले शेयर्स मुझे मिले हैं, 230 वाले कितने शेयर्स, बताएं बताएं बताएं, 230 ÷ 3000 क्या जवाब आया, 690 rupees इन 1000 में आप करवाने लग गए हैं, अच्छा 690। कॉस्ट ऑफ शेयर्स बताएं बताएं, कॉस्ट ऑफ शेयर्स यार क्या हो गया, जल्दी बताएं कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, एक शेयर कितने रुपए का खरीदा, 120 का, अच्छा इसको ना ऐसे कर लें, आदत डाल लें, पहले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें फिर प्राइस से, तो 3000 शेयर और एक शेयर कितने का था, 230 का, ये फेयर वैल्यू हो गई, और फिर 3000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 120 जी, और कॉस्ट ऑफ राइट कितनी है, 5000, 325। क्लियर, चलें जी नोट कर लें, क्या चीज नहीं वहां नहीं पढ़ाया था, क्लियर। इस दिन क्यों नहीं सैलरी में ऐड हुआ, बोले हैं इस दिन क्यों सैलरी में ऐड हो गया, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि आप इसको बेच नहीं सकते, लेकिन अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई कैद नहीं है, जी भाई।
इस दिन मेरी जेब में क्या है? इस दिन मेरी जेब में क्या है? राइट. इसे मेरी जेब में राइट है. इस दिन मेरी जेब में क्या होगा? राइट और पैसे चले जाएंगे, कंपनी को जमा करवा दूंगा. और मेरी जेब में क्या आ जाएंगे? शेयर्स. लेकिन शेयर्स कौन से वाले? जिन पे क्या लगी है? अब अगर शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगी है तो इनको छुपा दें. और बार बार देखते रहें, 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 देखते रहें. और इस दिन शेयर्स को बेच दें? नहीं, इस दिन शेयर्स को बाहर निकाल लें. अब इस मुआशरे की हवा लगने दें, कोई मसला नहीं. अब शेयर्स को बाहर निकाल लें. अब रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? इस दिन आप कौन से हेड की इनकम निकालेंगे? जिस हेड की इनकम मिसिंग थी, निकालनी रह गई थी. किस हेड की इनकम निकालनी रह गई थी? इनकम फ्रॉम सैलरी. अच्छा, इस सिनेरियो में क्या था जो पिछला हमने सवाल किया था? उसमें देखे ना, इधर आपकी जेब में क्या था? राइट. और इधर आपकी जेब में क्या था? और ये शेयर पहले दिन से ही आपने बाहर रखे हुए थे. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. चलें. अच्छा, फेयर वैल्यू किस दिन के लिए आपने? ये जरा हाईलाइट में कर रहा हूँ. 31 अगस्त 2013 की फेयर वैल्यू नहीं ली क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है. ये तो वैसे ही ईयर एंड की फेयर वैल्यू है 30 जून 2014, ये भी नहीं ली. किस दिन की फेयर वैल्यू ली है? जिस दिन क्या रिलीज हुई. चलें जी, पढ़ लें ब्लॉक की प्रोविजन. पेज 94.3 का सिर्फ पहला पैरा पढ़ना है मैंने, दूसरा नहीं. वेयर शेयर्स आर इश्यू टू एन एम्प्लॉई अंडर एन, जहां शेयर एम्प्लॉय को इश्यू हो किस स्कीम के तहत? अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम. एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, नथिंग विल बी एडेड इन द इनकम. वेयर शेयर्स आर इश्यू टू एन एम्प्लॉई अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम वेयर देयर इज अ restriction on transfer, nothing will be added in income. Nothing will be added. Income में कुछ भी add नहीं होगा. कब तक? Until the employee has a free right to transfer the, जब तक कि आपके पास free right ना आ जाए share को बेचने का. बेच दिए या सिर्फ right आया बेचने का? हक मिला आपको आप बेचने का. On getting the free right to transfer, जिस दिन आपको free right मिल गया transfer करने का, उस दिन आप जेब से बाहर निकाल लें और सैलरी में डालें. सैलरी में तो वही चीज, सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम द एम्प्लॉई हैज अ फ्री राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स. फेयर वैल्यू किस दिन की ली है अभी हमने? टाइम द एम्प्लॉई हैज अ फ्री राइट टू ट्रांसफर द शेयर. लेस कॉस्ट बाय एम्प्लॉई फॉर शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ राइट, माइनस वही करना है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स और कॉस्ट ऑफ राइट. क्लियर? अच्छा, ये दूसरा बुलेट, ये दूसरा पैरा आज हमने नहीं पढ़ना, ये कल पढ़ेंगे. ओके, वापस आ जाएं. अच्छा चलिए, एक मिसाल है वो इधर ही नोट कर लेते हैं. सफ़े के एंड पे जगह यहां नोट कर लें. उमर परचेज्ड राइट्स फॉर रुपीज 3000 एंड सोल्ड देम फॉर रुपीज 4000. उमर परचेज्ड राइट्स, कर ली नोट. उमर परचेज्ड राइट्स फॉर रुपीज 3000 एंड सोल्ड देम फॉर रुपीज 4000. अच्छा, ये एक अजीब सा सिनेरियो है, ये जरा समझना है. उमर साहब हैं, उन्होंने पैसे पकड़े जेब में और पैसे पकड़ के कंपनी के पास गए और कंपनी से क्या जाके खरीद ली? प्री रजिस्ट्रेशन कंपनी से खरीद ली. अब कोई और एम्प्लॉयज को मिला, उसने कहा यार प्री रजिस्ट्रेशन सुना है तूने शेयर्स में करा दिए. इसने कहा हाँ यार, कोई इरादा है तेरा शेयर खरीदने का?
इसने कहा नहीं यार पैसे अरेंज नहीं हो रहे शेयर खरीदना, मैं तो सोच रहा हूँ ना खरीदूं। उस एम्प्लॉय ने कहा प्री रजिस्ट्रेशन मुझे बेच दे। भाई दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, कागज के टुकड़े भी बिकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा प्लॉट अभी है नहीं, प्लॉट की फाइलें बिक रही हैं। तो उस कागज के टुकड़ा बिक गया, कागज का टुकड़ा बिक गया। आपने कहा अच्छा यार तुझे कागज का टुकड़ा चाहिए, चल ठीक है फिर मैं एम्प्लॉय मैं शेयर नहीं खरीदूंगा, तू खरीद ली मेरी जगह। तो कागज का टुकड़ा कितने का लगाता है तू? तो मैंने कहा जी मैंने तो 3,000 का खरीदा है, चल तुझे मैं 4,000 का बेचता हूँ। तो मैंने ये कागज का टुकड़ा जेब से निकाला, अगले एम्प्लॉय को 4,000 का दिया और अपनी जेब में पैसे डाले और घर आ गए। तो मोहतरम आप ये शेयर बिके हैं या कागज का टुकड़ा बिका है? कागज का टुकड़ा बिका है। इसे कहते हैं डिस्पोजल ऑफ राइट, डिस्पोजल ऑफ राइट। ये कागज का टुकड़ा भी बिक सकता है। जैसे आप कॉलेज में जाके प्री रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर कोई और स्टूडेंट आपसे कहे यार मैं तो प्री रजिस्ट्रेशन करवाना भूल गया था, आप कहें यार मैं तो इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही लाहौर से जा रहा हूँ, चल ठीक है प्री रजिस्ट्रेशन मेरी तू रख ले और मैं तुझे बेचता हूँ। पता नहीं बिकती है या नहीं, ये कॉलेज वालों को पता होगा। बहरहाल तो प्री रजिस्ट्रेशन आपने बेच दी उसको, तो प्री रजिस्ट्रेशन भी बिकती हैं, कागज के टुकड़े भी बिकते हैं। अब मोहतरम इसका सोल्यूशन सिंपल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग देंगे ए माइनस बी, वेयर ए इज द कंसिडरेशन एंड बी इज द, तो 1,000 रुपया इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के जैसे मिल रहे हैं ना। तो मोहतरम में ये कागज का टुकड़ा बेचना ये भी कहां चला जाएगा? बोले इनकम फ्रॉम सैलरी में। मिला है या बेचा है? बेचा है। मिला था 3,000 में, बेचा कितने में? 4,000 में। तो साथ वाले की तरफ से हाथ से इशारा करके रशीद प्री रजिस्ट्रेशन भी बिकती हैं। करें उसकी तरफ इशारा करके रशीद प्री रजिस्ट्रेशन भी बिकती हैं। करें जल्दी रशीद राइट भी बिकते हैं, राइट भी बिकते हैं रशीद। घर में जाए को बंदा ढूंढे ऑनलाइन वाले, जल्दी करें छोटे भाई। राइट भी बिकते हैं, शेयर नहीं राइट, राइट बिक रहे हैं। एक मिनट इसके साथ लिख लें सेक्शन 14 का 5, सेक्शन 14 का 5। एक मिनट में ये पढ़ा लेने दो फिर मैं सवाल लेता हूँ। जी मोहतरम 14 का 5 पढ़ लें। अजीब दुनिया आ गई है रशीद, प्री रजिस्ट्रेशन भी बिकती हैं। वेयर इन अ टैक्स ईयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेज ऑफ अ प्री रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन ही बेच दे, इसका नाम राइट भी होता है ऑप्शन भी होता है प्री रजिस्ट्रेशन। इसको ब्रैकेट में ले लेना, ये तो तमहीद बांध रहा है ना। प्री रजिस्ट्रेशन किस चीज की थी? टू कार शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। इसको छोड़ के पढ़े वेयर एन एम्प्लॉय डिस्पोजेज ऑफ अ राइट द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी गेन एज कैलकुलेटेड बिलो अ माइनस ब वेयर अ ए इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ राइट एंड बी इज द एम्प्लॉयज, यानी कि फॉर्मूला फॉर डिस्पोजल ऑफ राइट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। अच्छा इधर क्या खरीद रहे थे आप? इधर देखिएगा ये हेडिंग जरा पढ़ें, इधर क्या डिस्पोजल किया आपने? राइट की, या सेल ऑफ राइट। इधर क्या था? एक्सरसाइज ऑफ राइट यानी परचेज ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी शेयर इशू कर रही थी। थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था? आप जाके राइट जमा करा रहे थे और राइट बेच नहीं रहे थे किसी को, राइट कंपनी को जमा करा रहे थे और शेयर खरीद रहे थे। उसमें आके दो सूरतें थी, एक में आपको शेयर मिले थे और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और एक में शेयर मिल गए थे और रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। क्लियर जी? आपको सवाल पूछ रहा था। जी बिल्कुल ओके। चलिए जी आज का आखिरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 2 को मुकम्मल करना है बस। ओके ये एग्जांपल 2 में अगर मैं वापस आऊं तो मुझे बताएं मेरी जेब में इस दिन क्या है? राइट कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा 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 इसने था कागज का टुकड़ा मेरी जेब में।
किसी कागज का टुकड़ा जमा करवा के बेचूंगा नहीं बेचूंगा नहीं बेचूंगा नहीं बेचूंगा नहीं बेचूंगा नहीं बेचूंगा नहीं बेचूंगा नहीं, कागज का टुकड़ा जमा करवा के क्या खरीद लूंगा शेयर और ऊपर ऊपर ही रखूंगा शेयर। तो ये हमारी कौन सी एग्जाम्पल चल रही थी कल की, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था। ओके, तो 20 अगस्त 2013 को मेरी जेब में क्या था, परचेज परचेज राइट थे ना बस मेरी जेब में, पर राइट बोलो राइट थे मेरी जेब में, मैंने परचेज किए विथ राइट। अच्छा, 20 अगस्त 2013 को मेरी जेब में राइट थे, 25 जून 2015 को मेरी जेब में क्या है, मैंने राइट जमा करवा के राइट एक्सरसाइज करके शेयर पर राइट एक्सरसाइज करके शेयर पर चेज कर लिए। ये किस दिन की बात है जी, 25 जून 2015। उसके बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ द शेयर्स आर सोल्ड ऑन 25 जून 2016 फॉर रुपीज 430 पर शेयर, ऑल ऑफ द शेयर्स आर सोल्ड ऑन 25 जून 2016 फॉर रुपीज, 25 जून 2016 को मैंने सारे के सारे शेयर बेच दिए, कितने के जी, 430 पर शेयर्स के। तो बता दें जी, 25 जून 16 को अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी जेब में शेयर हैं या अब शेयर्स भी नहीं है, अब शेयर्स भी मैंने बेच दिए, मेरी जेब में पैसे आ गए हैं। तो शेयर्स बेचना तो कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा, तो अब हम शेयर्स बेचने लगे हैं, वो शेयर्स का मिलना सैलरी में गया था, मिलना सैलरी में गया था, ही परचेज शेयर्स, शेयर्स का मिलना सैलरी में गया था, वो शेयर जो बाजार में 370 का था हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से 334 में मिल गया था, तो शेयर्स का मिलना सैलरी में गया था, अब शेयर्स बेचने लगे हैं, बेचना कैपिटल गेन में जाएगा। चले जी, इवेंट का नाम बताएं इस दिन और बता दें शेयर्स सोल्ड, शेयर्स बेच दिए। ये ईयर एंड कौन सा है, 30 जून 2016, और मैंने किसी शेयर बेचे हैं 25 जून 2016 को। इवेंट का नाम, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां से कैलकुलेशन शुरू करने लगा। ओके, कितने के बेचे हैं जी शेयर्स, और मैं डियर बता दें कितने के बेचे हैं शेयर्स, 430 पर शेयर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। अच्छा जी, कंसिडरेशन क्वांटिटी बताएं कितने बेचे हैं, और यार देख लेना ऊपर से 5000 शेयर ये हैं तो कितने शेयर्स बेचे हैं, मैं पूछ रहा हूं 5000 कितने रुपए के एतबार से, तो 5000 जरब 430 रुपीज इन 1000 में करवा दें, 2150 क्लियर। आगे आपने जरा अटेंटिव रहने, आगे आपने अटेंटिव रहना। खैर, ये जो कॉस्ट है ना, ये तीन चीजों का सम करके निकलेगी, ए बी सी, तीन चीजों का सम करके निकलेगी, कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट, कॉस्ट ऑफ राइट और इनकम फ्रॉम सैलरी। ये अजीब सी चीज है, कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट और इनकम फ्रॉम सैलरी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर्स, जल्दी बता दें, 1670। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट, 2। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ शेयर्स, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ राइट, 2। व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, ये देखे ना, इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी, 178। ये 178 इनकम फ्रॉम सैलरी में गया था, 178। इन तीनों को डब्बे में ले, इन तीनों को जमा करें, हाँ जी 1850। अब आप 2150 में से 1850 माइनस करें और जवाब बता दें जी क्या आ रहा है, 300। इट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। चलें जी, नोट कर लें। यार असल में ना एक बात जरा देखिएगा,
बड़ी मुश्किल सी कैलकुलेशन आपको लग रही है कि तीन चीजों को जमा करना है, कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट, और एक तो अजीब सी चीज है इनकम फ्रॉम, लेकिन लॉ मेकर की लॉजिक देखें पीछे क्या है। इधर और यार देख लें, ऊपर आए हुए हैं तो लॉ मेकर की लॉजिक देखें क्या है। लॉ मेकर पता क्या कर रहा है, असल में इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपको कॉस्ट एज्यूम करा रहा है। असल में वो ये जो 1850 फेयर वैल्यू है ना पिछली वाली, इसी 1850 को इधर लिखवा रहा है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के कान को ऐसे उल्टा नहीं पकड़ा जा, ऐसे उल्टा पकड़ रहा है कान को, बहुत मुश्किल तरीके से इसने कान को पकड़ा। लेकिन आज आके बात तो वही हुई ना, क्या थी फेयर वैल्यू जिस दिन मिले थे और आज की फेयर वैल्यू क्या है, 2150 में से उस दिन की फेयर वैल्यू माइनस करते गेन निकल सकता है। लेकिन बड़े ओखे तरीके से उसने क्या कहा, और ये देख लें, ये मैथमेटिकली भी तो ये बात सही है ना कि फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मैथमेटिकली सोचें 178 प्लस 2 प्लस 1670 इज इक्वल टू, तो यही तीनों फिगर्स पकड़ लिया ना इसने, 1670 पकड़ी है, 2 पकड़ी है और 178 पकड़ी है। तो कैलकुलेटर से पूछने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली जवाब क्या आ रहे हैं। तो चाहता क्या था असल में, बैक एंड पे थीम क्या उसके जहन में, कि आज की फेयर वैल्यू में से उस दिन की फेयर वैल्यू माइनस कर दो, बाकी आपका गेन आ जाएगा। लेकिन किस मुश्किल तरीके से उसने कहा कि वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन यू विल कैलकुलेट कॉस्ट एज फॉलोज, वेयर द कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट एंड इनकम फ्रॉम सैलरी। आज आके खोती थोड़ी अजीब सा मुहावरा, आज आके वहीं पे खड़े हैं 1850। तो आप ऐसा करें ना, आप ये स्टार इसको लगा लें ताकि आपको याद रहे कि ये बात इसके बराबर आया करेगी। स्टार स्टार अवॉइड होगी ना डबल, बस उस इस दिन की फेयर वैल्यू में से उस दिन की फेयर वैल्यू माइनस कर दी। जी अब इसको पढ़ें, नोट कर लिया, पूरी तस्वीर भी खींचनी है किसी ने खींच लें, ये क्वेश्चन 2 का सलूशन है। ओके लेट्स मूव नेक्स्ट, इसकी इंग्लिश पढ़ लें। अब हमने शेयर बेचे हैं ना, हमने क्या बेचे हैं, शेयर्स बेचे हैं, तो शेयर्स का बेचना कहां जाएगा बोले, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। बताएं जी क्या लिखा हुआ है, और किधर है, हाँ ये पेज कौन सा है, 90 पेज 95 पे आ जाए। द कॉस्ट ऑफ द शेयर शैल बी सम ऑफ, the cost of share shall be the consideration given by employee for shares, kitni thi 1670, the consideration given by employee for grant of right 2 thi, and the amount chargeable under the head salary 178 thi, aur total kitna aa gaya tha 1850। to cost shall be sum of bole, cost shall be sum of the cost of shares। ओहो काफी मुश्किल इंग्लिश है ना, हम कॉस्ट ऑफ शेयर बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन गिवन फॉर शेयर्स, और हम बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ राइट, वो क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन गिवन फॉर ग्रांट ऑफ राइट, और हम बोल रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, वो क्या बोल रहे हैं। सो इट इज हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ शेयर्स विच आर डिस्पोज ऑफ अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत जो शेयर बिके उनकी कॉस्ट ऐसे निकलेगी। जी जितना हो सकता है कोशिश करें। अच्छा मोहतरम आए आप पेज नंबर 99 पे, यार ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम की समरी सी है कुछ, ठीक है, कौन सा पेज है, 100 पेज नंबर 100, इस पे सिनेरियो 1 थोड़ा इधर फटाफटा नजर आ रहा है आपकी बुक पे, सही है। अच्छा इधर देखें ऊपर, एक सिनेरियो आपको याद है हमने ये पढ़ा है आज, परचेज्ड राइट, परचेज्ड, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ये वो याद है छोटी सी एग्जांपल उमर वाली नोट की है, तो राइट खरीदना फिर राइट बेचना, ये राइट बेचना किस हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम, ये मैं लिखना यहां भूल गया, इनकम फ्रॉम सैलरी में, ए माइनस बी।
सोल्ड राइट, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। क्लियर? अच्छा एक और सिनेरियो आज पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, वो ना एग्जाम्पल टू वाला है, एग्जाम्पल टू जो पिछले सफे पे किया हमने, उसमें फर्ज करें किसी साल में मैंने राइट खरीदा, क्या खरीदा, राइट खरीदा, क्या खरीदा, राइट खरीदा, मेरी जेब में क्या है, राइट, फिर मैंने इस दिन जाके ये छोड़ें, ये क्या है, इसको छोड़ें, इस दिन जाके मैंने राइट, यानी ये इधर देखे ना, इधर देख लें, मैंने क्या खरीदा, राइट एक्सरसाइज किया, या मैंने सिर्फ, ऐसा भी हो सकता है रिसीव शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकती है कंपनी, या कंपनी इशूड शेयर्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विद रिस्ट्रिक्शन नहीं कह रहा मैं, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन पे, तो इस दिन तो मैं जेब में शुरू से ही इधर इधर रखूंगा, और सैलरी में गेन जाएगा ना, सैलरी में कैसे गेन जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर? और उसके बाद मैंने इतना अरसा अपने पास रखे शेयर्स, और इतना अरसा अपने पास रख के मैंने शेयर्स बेच दिए, अब शेयर्स बेच दिए तो कौन सी इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम कैसे, कंसिडरेशन माइनस वेयर कॉस्ट।